हिंदू धर्म में होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाने की परंपरा सदियों से चली आई है। इस बार होली का दहन 24 मार्च को आ रहा है, उसी के साथ में धुलहड़ी का पर्व भी अगले दिन 25 मार्च को मनाया जाएगा। यूँ तो रोज़ाना हम कई प्रकार के दान करते हैं, पैसे का दान, रुपयों का दान या अन्य कोई ज़रूरत का दान, लेकिन होली के पर्व पर कुछ दान वंचित बताए गए हैं। अगर जाने अनजाने में आप वो दान करते हैं तो आपको कंगाली का रास्ता नजर आने लग जाता है। वास्तुशास्त्र में ऐसे नियम हैं जो अगर भूल से भी अगर इस चीज़ों का दान करें तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। आइए ज्योतिष आचार्य से जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं। स्वस्ति स्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिद विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवंतु नः। दान तो मंगलकारी होता ही है हर स्थिति में, लेकिन होली का जैसे पर्व पर यदि हम दान करते हैं तो उसका मंगल के जगह अमंगल फल प्राप्त होने की संभावनाएं होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि होली के दिन दान करने से उसका पुण्य की जगह हमें उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। जैसे कि श्वेत पदार्थ, दूध, दही, घी, ऐसे पदार्थ दान करने से हमारे अनिष्ट शुक्र नाराज होता है। होलिका के दिन दान करने से शुक्र नाराज होता है। तेल, सरसों का तेल है या किसी भी प्रकार का तेल दान करने से शनि नाराज होता है होलिका के दिन दान करने से। इसी प्रकार से 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं वह नारी दान ना करें, उससे देवी नाराज होती है। होलिका के दिन यदि हम इस प्रकार के दान करते हैं, नए वस्त्रों का दान करते हैं, तो चंद्र नाराज होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इस दिन होलिका दहन हुआ है। होलिका दहन यानी एक सूतक के अंदर हम यह सारे पदार्थ दान कर रहे हैं। सूतक में किसी प्रकार का भी दान वर्जित होता है, इसलिए इन दानों को ना करें। और रंग महोत्सव है, भगवान की भक्ति करके रंग महोत्सव होलिका का आनंद लें। जय श्री कृष्ण।